आप देख रहे हैं एटीवी लाइव देश का 23 वर्तमान न्यूज चैनल में उपदेश चौहान। देख सकते हैं हम यहाँ पे आए हुए हैं सामुदायिक शौचालय। ये सामुदायिक शौचालय जो इसका नियम होता है ये 4 बजे खुलने का होता है, लेकिन अभी तक शौचालय नहीं खुला है। अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो ये बाबा जी बैठे हुए हैं, हमें देख कर ये शौचालय को खोलने लग गए। शौचालय ना ही तो खुल रहा है ना ही चालू है ये शौचालय। इसमें ये बता रहे हैं पानी भी नहीं है यहाँ पर, और ये पानी क्यों नहीं है इसका क्या कारण है, हम इनसे जानकारी लेंगे और हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? अभी आया वो पानी आपने बताया यहाँ पानी नहीं है, क्यों पानी नहीं है? अब पानी कनेक्शन ही नहीं है दे रहे पानी में, पानी का कनेक्शन नहीं है तो शौचालय कैसे चल रहा है? ये नहीं चल, लोग जो ग्रामीण हैं ये स्वच्छ, जब भारत सरकार ये कहती है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सोच से ही बनता है शौचालय, तो यहाँ पर तो सोच भी बन गई शौचालय भी बन गया, पर शौचालय चालू नहीं हुआ अभी तक, इसका क्या कारण है? धुलाई धुलाई के लिए पानी लाते हैं मेरा बस, धुलाई धुलाई के लिए पानी लाते हैं, तो सोच करने के लिए पानी नहीं है? नहीं है जी। क्यों नहीं है? अब हमें क्या पता है, तो आपकी पता हो, आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर जो मौजूदा कर्मचारी हैं कौन है? वो आ रहे हैं अभी। क्या नाम है उनका? इनका अभी बता रहा हूँ, मेरा भतीजा ही लगे। आपके भतीजा लगते हैं? वो यहाँ पर अभी तक नहीं है। जो यहाँ पर कर्मचारी है आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पर अभी नहीं आए हुए हैं, अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ताले आप इन्होंने हमारे सामने खोले हैं, और मैं और दिखाना चाहूँगा आपको, ये पीछे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी अभी ताला लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं ऐसे ही भ्रष्टाचार आप जगह जगह देख सकते हैं। आप मैं अपने सहयोगी ब्रजमोहन जी से कहूंगा एक बार इसकी स्थिति को दिखाएं। ये देखिए आप, ये ताला अभी तक लगा हुआ है, जबकि जो सरकार का जो नियम है वो 4 बजे से 8 बजे तक का है, सुबह 5 बजे से 10 बजे तक का है, लेकिन ऐसा कोई नियम सरकार का नहीं मानते हैं लोग। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मनमानी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट ये शौचालय चढ़ चुका है। तो आप देख सकते हैं शौचालय में पानी भी नहीं है। गांव का नाम ये जो गांव है ये सुल्तानपुर कहा जाता है, तहसील खुर्जा में लगता है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में लगता है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं, जब इसे सुचारू रूप से चालू नहीं कर पाते तो बोर्ड लगाने का क्या आपका अधिकार है? ये देखिए राज्य वित्त उद्योग केंद्रीय वित्त आयोग मनरेगा से निर्मित सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत इस्लामपुर बुढ़ेना विकास खंड खुर्जा अनुमानित लागत 5,70,000। और सब कुछ आप देख सकते हैं जो जिनने बनवाया है, जिनने कुछ कराया है, जो भी सबके नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत हम आकर देखते हैं तो 0/0 देखने को मिलती है। ऐसा क्यों मिलता है? क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार जगह जगह फैला हुआ है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो सैलरी भी लेते होंगे सरकार से, और सैलरी जब लेट मिलती होगी तो आंदोलन भी करते होंगे, लेकिन कोई भी कार्रवाई या कोई भी इसे चालू करने की कोशिश नहीं करते। तो आपने देखा हर जगह भ्रष्टाचार चालू है, जब तक आप नहीं खड़े होंगे भ्रष्टाचार ऐसा ही होता रहेगा। आज एटीवी लाइव में आज के लिए इतना ही, मैं उपदेश चौहान, जय हिंद जय भारत।